टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास में एक पॉइंट पी एक्स वाई है जो कि ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे है ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है और इसी यूनिट डिस्टेंस का रेडियस का एक सर्कल है जिसको कि हम ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट P के का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वर्टिकली वाई होगा क्योंकि ये इसके एक्स और वाई है और इसका हॉरिजॉन्टल हम, इस इस हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है यहाँ पे बेस एक्स है और हाइपोटेनियस वन है तो एक्स अपॉन वन यानी कि एक्स कॉस थीटा की वैल्यू होगी वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि पी यहाँ पे वाई है वाई अपॉन वन यानी कि वाई होगी हमें पता है इस राइट आ, एंगल ट्रेंगल ओ एम पी में के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर करने पे ऐड करने पे हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर होता है यानी कि ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर होगा यहाँ पे ओ एम स्क्वायर हमारा एक्स यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो एक्स हमने देखा कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारा x है तो हम x के पे cos की सकते हैं y, y के जगह के पे हम साइन थीटा की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं तो इस तरीके से हमें मिल जाता है कॉस स्क्वायर सीटा प्लस साइन स्क्वायर सीटा इक्वल टू वन ये काफी इंपॉर्टेंट है अब हम इस इक्वेशन से और भी दो दूसरे इक्वेशन को ड्राइव करेंगे अभी अगर हम इक्वेशन वन के दोनों तरफ कॉस uh, थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे हमें वैल्यू आएगी वन और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा करेंगे और इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इसको सॉल्व करने पे हमें आएगा वन प्लस साइन अपॉन कॉस हमें पता होता है कि टेन होता है तो स्क्वायर करने पे टेन स्क्वायर थीटा और वन अपॉन कॉस यानी कि शे स्क्वायर ये इक्वेशन टू हुआ वैसे ही अगर हम ये डिवाइड करने के लिए कॉस स्क्वायर सीटा की जगह पे साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइडिंग बहुत साइड्स ऑफ इक्वेशन वन बाई साइन स्क्वायर तो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर सीटा अपॉन साइन स्क्वायर प्लस वन वन यहाँ पे आ गया इसलिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर तो फर्दर हम इसे देख सकते हैं कि कौश स्क्वायर सीटा इक्वल टू साइन अपॉन साइन स्क्वायर सीटा हमारा कॉट स्क्वायर सीटा होगा प्लस वन इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर सीटा ये हमारा तीसरा इक्वेशन होगा हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर सीटा इक्वल टू कॉश एक् स्क्वायर सीटा और ये तीनों इक्वेशन हमें काफी हेल्प करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ट्रिगोनिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अब हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन को स्टेबल करेंगे वो रिलेशन हमें इसके एंगल्स जब निगेटिव होते हैं कॉस और साइन या टेन के तो उनका पॉजिटिव एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है ये बताता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थीटा एंगल पे पॉइंट पी एक्स वाई है अगर हम सपोज इस थीटा के जगह पे अगर हम एक माइनस थीटा एंगल पे कोई दूसरा पॉइंट क्यू एक्स माइनस वाई ले लें जो कि सेम रेडियस होने के कारण वहाँ पे भी ये यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा और यहाँ पे एंगल निगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे हमें पॉइंट सेंस निगेटिव में है तो इसका जो वाई का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस के पैरेलल में ये माइनस वाई होगा और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो सेम एक्स होगा अब हम इस टैंगल को बाहर ले लेते हैं ओ एम पी को तो यहाँ पे थीटा निगेटिव में ही रहेगा और फिर से हम कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है यहाँ पे बेस हमारा एक्स है और अभी जस्ट हमने सीखा है कि एक्स ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ये कॉस थीटा के बराबर था यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है वैसे ही दूसरा साइन माइनस थीटा ये पी अपोन एच होता है इस ट्रायंगल में पी हमारा है माइनस वाई और हमने जस्ट अभी देखा था कि वाई की वैल्यू इस वाई की वैल्यू साइन थीटा था और उससे पहले निगेटिव आ जाएगा यानी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू तो माइनस साइन थीटा वैसे ही हम टेन माइनस सीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये साइन माइनस सीटा अपन कॉस माइनस सीटा का रेशियो होगा और दोनों के वैल्यू को पुट अप करेंगे साइन माइनस थीटा इक्वल टू तो माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा अभी ऊपर वन और टू से तो हमें मिलता है माइनस टेन थीटा अब इन तीनों रिलेशंस के साथ में हम बा, बा, बाकी के जो तीन हैं कौशिक सेक और कॉट इनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं टिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल इस पिक्चर में आपको चार क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे वन टू तो, थ्री और फोर वन क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहाँ इसकी साइन प्लस प्लस रहेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई के लॉन्ग डिस्टेंस पॉजिटिव होता है माइनस प्लस वैसे ही थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में डिस्टेंस प्लस और माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस पॉजिटिव होगा और वाई के लॉन्ग जो डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होती है तो हम लिख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में एक्स कॉम्पोनेंट जो होता है वो कॉस के वैल्यू को डिनोट करता है और वाई कॉम्पोनेंट साइन के वैल्यू को डिनोट करता है चलिए इसे समझते हैं अगर हम किसी भी पॉइंट को अगर एक्स वाई डिनोट करते हैं तो वहां पे एक्स की वैल्यू कॉस्ट और वाई की वैल्यू साइन के वैल्यू को डिनोट करेगी फॉर एग्जाम्पल यहां थीटा अगर जीरो हो तो वहां पे हमें यूनिट डिस्टेंस होने के कारण इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं वन एंड जीरो पे एक्स एक्स कंपोनेंट की वैल्यू वन है और वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो जीरो है तो ये वन और जीरो में हमारा जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो होगी वन और साइन थीटा की वैल्यू होगी जीरो और अगर इन दोनों का रेशियो निकाले साइन अपॉन कॉस तो हमें टेन थीटा की वैल्यू जीरो मिल जाएगी वैसे ही थीटा इक्वल टू तो पाई बाई टू पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जीरो है जबकि वाई कंपोनेंट वन है यहाँ पे तो फिर से हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू यानी पाई बाई टू इस पाई बाई टू एंगल के लिए कॉस की वैल्यू हमारी हो गई जीरो तो हम यहां पे नोट कर सकते हैं इसको जीरो, थीटा टू जीरो और वैसे ही साइन थीटा इक्वल टू हम वन यहां पे डिनोट कर सकते हैं पाई बाई टू के लिए टेन के लिए इन दोनों का रेशियो यानी कि नॉट डिफाइंड क्योंकि वन अपॉन जीरो को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं हम पाई एंगल के लिए थीटा इक्वल टू पाई के लिए हमारा जो पॉइंट है वो माइनस वन और जीरो होता है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट माइनस वन और वाई जीरो है तो कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन और साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो और इन दोनों का रेशियो यानी कि जीरो हो जाएगा टेन पाई के लिए अगर हम थीटा इक्वल टू थ्री पाई 2 टू के लिए देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू होगी जीरो और माइनस वन क्योंकि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जीरो और वाई कंपोनेंट माइनस वन है तो हमारा कॉस जीरो कॉस थ्री बाई पाई थ्री पाई बाई टू इक्वल टू जीरो और साइन थ्री पाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा और टेन के लिए ये नॉट डिफाइंड रहेगा क्योंकि टेन साइन और कॉस का रेशियो होता है यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है कि साइन थीटा की वैल्यू आगे चल के इस थीटा का तो वापस से यहाँ पे जो साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो थ्री पाई बाई टू के बाद में टू पाई भी इसी वैल्यू को बोलते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू टू पाई के रेशियो में हमेशा ये पीरियडिक होता है यानी टू पाई यहीं पे आएगा फोर पाई भी इसी पॉइंट पे आएगा सिक्स पाई भी इसी पॉइंट पे आएगा और सबका वैल्यू सेम वही रहेगा जो साइन वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू जीरो के लिए है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा प्लस टू एन पाई इक्वल टू साइन थीटा पीरियोडिक होगा वैसे ही सेम कॉस थीटा की वैल्यू भी टू पाई के बाद में पीरियोडिक हो जाती है यानी सेम रिपीट होने लगती है जबकि टेन थीटा के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे ये यह पाई के बाद में क्योंकि टेन थीटा जीरो के लिए भी जीरो है और पाई के लिए भी जीरो है तो टेन थीटा की वैल्यू पाई एंगल के बाद में ही रिपीटिंग हो जाता है अब हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं यानी छः के छः साइन कॉस टेन cosec, सेक और कॉट सभी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं वैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव है साइन और कॉशेक बाकी जितने भी दूसरे फंक्शंस होंगे वे सभी निगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और थीटा पॉजिटिव रहते हैं जबकि अदर्स निगेटिव रहते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है आगे के वीडियोज में हम ट्रिगोनोमेट्री के और भी कई सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोज और कंटेंट आपके पास में पहुँचते रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग